अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 दिसंबर से फिर होंगे शुरू। कोरोना के चलते बंद हुई थी उड़ानें, नागर विमानन मंत्रालय ने दी जानकारी। भारत के संविधान को 72 साल हुए पूरे, पीएम मोदी ने परिवारवाद की राजनीति पर कसा तंज, कहा परिवारवाद देश में लोकतंत्र के लिए खतरा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी दिल्ली की सीमा पर डटे हैं किसान। किसान आंदोलन के एक साल होने पर आक्रोश, राकेश टिकैत बोले एमएसपी पर समझौता नहीं। नोएडा में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, 463 दर्ज किया गया एक्यूआई। नोएडा अथॉरिटी ने प्रदूषण फैलाने वाले 11 संस्थानों पर 5,95,000 का किया जुर्माना। दिल्ली लाइव के प्रायोजक आयुर्वेदिक कायम चूर्ण कब्ज की कर दे छुट्टी, अब टेबलेट में भी उपलब्ध। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और दिल्ली लाइव के साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। दिल्ली की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 दिसंबर से एक बार फिर से शुरू होंगी। भारत सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना के चलते बंद हुई थी ये उड़ानें और अब मार्च 2020 से इस पर रोक लगी थी, जिसके बाद से अब फिर से ये सेवा शुरू की जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय ने जानकारी दी है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मार्च 2020 से रोक लगी थी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर, लेकिन अब एक बार फिर से ये सेवा शुरू की जाएगी। नागर विमानन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 दिसंबर से एक बार फिर से शुरू की जाएंगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, एक एक कर लगातार अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने के बाद से धीरे धीरे तमाम सेवाएं जो हैं वो शुरू की जा रही हैं, और इसी क्रम में अब अंतर्राष्ट्रीय उड़ान जो है उसको एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय ने जानकारी दी है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 15 दिसंबर से एक बार फिर से शुरू होंगे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करना होगा। इसके साथ ही तमाम सेवाएं जो है वो बहाल की जा रही। तमाम जानकारी के साथ राजकुमार चौधरी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए। राजकुमार, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 15 दिसंबर से एक बार फिर से शुरू किया जा रहा है, लेकिन कोरोना का नया वेरियंट आज ही केसेस जो है वो सामने आए हैं। निश्चित तौर पर दीप्ति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद जब निश्चित तौर पर ये जो विदेश की जो सेवाएं हैं इनको खोलने का निर्णय लिया गया, और इसमें विदेश मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक बहुत अहम बैठक हुई, उसके बाद तमाम निर्णय लिए गए। तकरीबन 28 देश ऐसे हैं कि जहाँ से कोरोना के शुरू होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थी। आर्थिक नुकसान भी कहीं ना कहीं हो रहा था, लेकिन सामान्य चीजें होती हुई नजर आई है। अफ्रीका में हालांकि नया जो वेरिएंट आया है उसको लेकर थोड़ा सा गंभीर हुई है, और वहां के बारे में अभी स्टैंड बाई मोड पर रखा गया, उसके लिए कोई अभी गाइडलाइन शुरू नहीं की गई है। बाकी ब्रिटेन, यूएस और तमाम फ्रांस देशों के लिए 28 देश ऐसे हैं कि जहां से उड़ानें शुरू करने का निर्णय लिया गया, और 15 तारीख से इसको देखिए राजकुमार, कहीं ना कहीं ये इंतजार किया जा रहा था, जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें थी उसके लिए इंतजार किया जा रहा था। लोग चाह रहे थे कि ये प्रक्रिया एक बार फिर से सेवा शुरू हो। हालांकि ये सेवा अब शुरू करने के आदेश तो आ गए हैं, 15 दिसंबर से सेवाएं शुरू होंगी, लेकिन अगर हम जिक्र करें, तमाम ऐसे राज्य हैं, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर कोरोना खत्म होने की ओर था, लेकिन एक बार फिर से अचानक केसेस बढ़ रहे हैं। तमाम ऐसे जिले हैं जो कोरोना मुक्त हो चुके थे, लेकिन फिर से वहां पर केसेस सामने आ रहे, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। दीक्षित, 100 करोड़ लोगों को टीकाकरण होने के बाद लगातार भारत सरकार ने इस अभियान को तेज किया, और कोविड से लड़ने के लिए जो वैक्सीन बनाई गई उस वैक्सीन का टीकाकरण का अभियान जो है वो कहीं ना कहीं चरम पे पहुंचा। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास एक बड़ा है, और उसके जो परिणाम आए हैं उस परिणामों के बाद ही ये निर्णय लिया गया। तीनों मंत्रालयों ने बैठ के इसको आंकड़ों के आधार पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, तमाम तरह के जो एनओसीज हैं उन सब पर भी चर्चा की गई है, और उसके बाद ही इस निर्णय को लिया जा रहा है। हालांकि आपका सवाल वाजिब है, कल क्या होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो मौत के डर से जीना नहीं छोड़ा जाता है, इसको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। और उसमें जो लोग विदेश जाने के लिए इन अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने हैं
इनमें सफर करेंगे, उन्हें अपना अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए राजकुमार बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो तमाम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे और इंतजार कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की जो सेवाएं हैं वो फिर से शुरू की जाए, तो एक बार फिर से अब 15 दिसंबर से सेवाएं जो हैं वो शुरू होने जा रही है। और चलिए अब दिल्ली की खबरों का रुख करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद सीएम मनोहर लाल की पीएम से ये पहली मुलाकात थी और एमएसपी के मुद्दे पर मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में एमएसपी पर फसलों की खरीद हो रही है, कई योजनाओं में प्रधानमंत्री ने गहरी रुचि ली है, प्रदूषण और पराली के विषय में पीएम मोदी ने जानकारी ली है और प्रधानमंत्री ने ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छता सुधारों पर बातचीत की। प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की बहुत सी योजनाएं जो हम नई लागू करते हैं उसकी सराहना की थी, तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद किया। और इसी प्रकार आज भी जो नई योजनाएं और हमारी इस समय चल रही हैं जो उस समय तक उनको नहीं पता थी वो भी उनको मैंने बताई हैं। विशेष तौर पर इसमें हमने जैसे मुख्यमंत्री परिवार अंत्योदय परिवार उत्थान योजना जो अभी 29 तारीख से और 15 या 16 दिसंबर तक जिसके मेले लगेंगे, अंत्योदय ग्रामोदय मेले, जिसमें लगभग 1.5 लाख परिवारों को जिनकी आय वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है ऐसे लोगों को बुला करके उनके मेले लगाए जाएंगे, ये जानकारी भी मैंने उनको दी है। और इसी बीच आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी खबर बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अहम बैठक, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवाज पर बड़ी बैठक। बैठक में अमित शाह, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर समेत कई नेता मौजूद रहे। संसद में सरकार और बीजेपी की रणनीति पर चर्चा हुई। संसद में विपक्ष के खिलाफ रणनीति पर चर्चा की गई है क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत आपको बता दें कि 29 नवंबर से हो रही, लेकिन उससे पहले ये बड़ी बैठक की गई है क्योंकि लगातार विपक्ष एकजुटता दिखाते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि विपक्ष जो है पूरी तैयारियां कर रहा किस तरह से सरकार को घेरना है। लेकिन उससे पहले ये बड़ी बैठक की गई जिसमें अमित शाह, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर समेत तमाम नेता मौजूद रहे। संसद में सरकार और बीजेपी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई है, विपक्ष के खिलाफ रणनीति तैयार करने पर यह चर्चा की गई क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत 29 नवंबर से होने वाली है। लेकिन उससे पहले यह अहम बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आवास पर यह बड़ी बैठक हुई जहां पर अमित शाह, गृहमंत्री और प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर मौजूद रहे। इसके साथ ही मंत्रियों के साथ साथ कई नेता भी संसद में सरकार और बीजेपी की रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा की गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, संसद के शीतकालीन सत्र से पहले अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कई रणनीतियां बनाई गई हैं क्योंकि संसद में आपको बता दें जब शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी इस दौरान विपक्ष जो है पूरी तरह से तैयारी कर रहा है किस तरह से सरकार को घेरना है, कौन कौन से अहम मुद्दे होने वाले हैं। तो 29 नवंबर को आपको बता दें शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली, लेकिन उससे पहले ये अहम बैठक हुई है जहां पर तमाम रणनीतियां तैयार की गई। और आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में 12 दिसंबर को कांग्रेस की रैली, दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली का आयोजन, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस की रैली है। ये रैली को संबोधित करेंगी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी कोशिश और यहाँ पर रैली निकालने की जो है कांग्रेस की तरफ से, आपको बता दें रैली को संबोधित करेंगी पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी साथ में रैली में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में ये 12 दिसंबर को कांग्रेस की रैली होनी है, महंगाई हटाओ रैली का आयोजन किया जाएगा दिल्ली में, जहां पर बढ़ चढ़कर कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें होंगे और ऐसे में तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर नजर आने वाली है। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, 12 दिसंबर की प्लानिंग की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, 12 दिसंबर को कांग्रेस रैली आयोजित कर रही है, महंगाई हटाओ रैली का आयोजन हो रहा है दिल्ली में। अब देखना यह है कि इस रैली के जरिए क्या कुछ और मुख्य बातें निकलकर सामने आती, किस तरह से विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद अनोखा स्वाद।
माता की, हमारे देश के वीर जवानों की जय हिंद। हमारे देश के महान सेनानियों और सैनिकों के अमर बलिदान और उनके समर्पण को प्रणाम करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इनके सम्मान में महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना एवं वेटरन की पेंशन को 8,000 रूपए से बढ़ाकर अप्रतिमाह 10,000 रूपए कर दिया गया है। सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए छात्रावास, हरिद्वार में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सदन का निर्माण, शहीद हुए सैनिक और अर्धसैनिक बलों के आश्रितों की अनुदान राशि 10 लाख से 15 लाख रुपए करने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे वीर सैनिकों और उनके परिवारों के लिए उत्तराखंड सरकार का समर्पित प्रयास है। सैनिकों के संग है हम, उत्तराखंड है हम। मुख्यमंत्री ने कर खाया कमाल, पंजाब दे हर वर्ग नू कीता खुशहाल, लाल लकीर अंदर मिलिया मालिकाना अधिकार, तंदरुस्तियां ले कीते जा रहे पार्क तैयार, आंदियां ही बिजली दे बिल कीते माफ। 2 किलोवाट तक दे कंज्यूमर जिन्ने हैगे है पंजाब दे विच, ओ बकाया है सारा उना लोकां दा असी भरांगे, असी सरकार ने फैसला कर लिया, सरकार उना दा भरेगी। हुण हरेक दे नसीब होया पानी साफ, अते पेंशनर भी हुण नहीं होणगे खज्जल खुआर। इस सरकार दे विच कोई ये नहीं कहेगा मेरी सरकार है या साडी सरकार है, इस सरकार पंजाब दे लोकां दी है, इहनां ने सानूं बनाया। ताही हर कोई कहंदा है जिंदाबाद रहे पंजाब सरकार। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल, ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से, जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है, साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी, कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारे ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी है, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है, स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है, साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी
अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अच्छी सी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज, 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। ब्रेक के बाद दिल्ली लाइव में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। द्वारका जिला पुलिस मुख्यालय के प्रांगण में संविधान दिवस मनाया गया, जहां इस उपलक्ष में भारत में संविधान के प्रति निष्ठा, समर्पण और प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संविधान दिवस मनाने के लिए संविधान के शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इस मौके पर DCP द्वारका शंकर चौधरी ने उनके नेतृत्व में कार्यरत सभी पुलिस कर्मियों को शपथ ग्रहण करवाया गया। दिल्ली के साकेत कोर्ट में संविधान दिवस मनाया गया। इस दौरान साकेत बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विक्रम चौधरी ने बताया कि हमारे देश का संविधान सबसे सुंदर संविधान है, जहां सभी धर्म के लोगों को इस संविधान में एक बराबर रखा गया है। और हमारे संविधान की सबसे खास बात यह है कि इसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं। और मेरा भारतीय संविधान के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, गतिशील है, इसमें लचीला है, सुदृढ़ है और शक्तियों का बंटवारा है। पर इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती जो मुझे लगी अपने व्यक्तिगत तौर पे, वो इसमें जो हमारी संशोधन प्रक्रिया है वो इतनी, वो वक्त के साथ साथ उन जो संशोधन हुए हैं, जो आज 104 हुए हैं जब देश आज़ाद होने के बाद, इसमें जो लचीलापन है वो इस बात का द्योतक है कि वक्त के साथ साथ हमने जैसे परिस्थितियां बदली, अपने संविधान को भी हमने उसी हिसाब से आगे उसमें बदलाव किए हैं। मैं सबसे पहले सभी देशवासियों को और अपने वकील भाइयों को संविधान दिवस की मुबारकबाद देता हूं। भारत की खूबसूरती है उसका संविधान, इसमें जैसे राज्य को और केंद्र को सभी प्रकार के अधिकार दिए हुए हैं, और साथ में ये भी इसमें शामिल है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य की सीमाओं में और उसके अधिकारों में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करेगा, ये हमारे सबके। और समय समय पर, जो कि हमारे विक्रम भाई ने बताया कि समय समय पर हमारे संविधान में लोगों के हिसाब से, उनकी सुविधाओं के हिसाब से और कानून की प्रतिक्रिया को अपनाते हुए उसमें संशोधन भी किए, और यही इस भारतीय संविधान की खूबसूरती है। आज के दिन इस कानून को 1950 में, 26 जनवरी 1950 से इसको लागू किया गया, तो ये हमारे देश का एक गरिमा है हमारी कि हमारा संविधान सर्वोपरि है, जिसमें हमें भारत के सभी नागरिकों को सभी समान अधिकार मिले हैं, मौलिक अधिकार मिले हैं, मौलिक उनके अधिकार हैं तो उधर कर्तव्य भी हैं। दिल्ली के भड़ौला गांव में भारतीय जनता पार्टी ने झांकी सम्मान यात्रा निकाली, जो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की अगुवाई में निकाली गई। आपको बता दें कि सम्मान यात्रा में सैकड़ों की तादाद में झुग्गी वासियों ने हिस्सा लिया, और इस दौरान दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि झुग्गी में रहने वाले गरीब भाई जो गंदगी में रहने को मजबूर हैं, उनके कल्याण के लिए और उनको बेहतर जीवन मिले उसके न्याय और अधिकार के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली गई है। देखिए, लोग जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं दिल्ली के अंदर, उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उनको साफ पानी नहीं है। अभी तक हम लगभग 28 विधानसभाओं में गए हैं, वहाँ उनको साफ पानी नहीं है। 11 लाख ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड नहीं बना है, अगर उनको राशन कार्ड बना होता तो मोदी जी का
जो 5 किलो राशन का और 1 किलो चने की दाल, उनको भी फ्री में मुफ्त में इस कोरोना काल में मिल सकती थी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए नेटवर्क 10। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। ये दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। अरे भाई, कब्स का असर चेहरे पे साफ दिखता है? शेलो का एब्जोर्ब, इसमें 40 साल का भरोसा है जो पेट को साफ करे एक ही रात, और ये 100% आयुर्वेदिक है। कायम चूर्ण के साथ पेट रहे साफ। भावनगर वाले शेठ ब्रदर्स का उत्पादन। ओले, 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 ओले। किसका देखो तो बाबू? हेलो, कौन? नमस्कार मैडम जी, हम दास, वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा कास, गंदे गंदे नटखट दास, गंदे गंदे नटखट आ रहे हैं, दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। बड़ी याद आ रही है उसकी, और लंबा प्रोग्राम बनाया इस बार, आपके बच्चे को खूब बिगाड़ेंगे, मतलब उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे, जितनी परेशानी दे सके देकर जाएंगे, खूब मस्ती करने आ रहे हम आ गए। इसको तो 10 शुरू हो गए हैं। दस्त ऐसे बता कर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS है ना, और हाँ साथ में जिंक भी देना। दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें, तो दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS है ना। चलो मुझे, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। वाह पापा, नॉट बैड। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। You know what? मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो, you guys carry on, मैं चलता हूँ। Bye. Bye पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर दिल्ली की खबरों का रुख करेंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में पहले से बने हुए सभी वाइन शॉप को बंद कर दिया गया और आपको बता दें कि प्राइवेटाइजेशन करके सभी दुकानों को प्राइवेट हाथों में सौंपा गया, जिसके तहत हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, जिसका शुरुआती दौर से ही विरोध किया जा रहा है। और कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ रिहायशी जगहों पर भी शराब के ठेके खुल रहे हैं, वहाँ पर महिलाएं और स्थानीय लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ऐसा ही एक ठेका आदर्श नगर इलाके में भी रिहायशी जगह पर खुल रहा था, जिसका शुरुआती दौर से ही विरोध करने का नतीजा ये हुआ कि आखिरकार यहां पर खुलने वाले शराब के ठेके को बंद कर दिया गया। दिल्ली में 800 जो शराब के ठेके रिहायशी इलाकों में भी खोले जाने के जो एक नीति बनाई गई थी, उसी के तहत आज हमारे जो केवल पार्क एक्सटेंशन, केवल पार्क, गोपाल नगर, इंदिरा नगर, आदर्श नगर, सभी क्षेत्र के जो बीच में ऐसी जगह एक रिहायशी इलाका था जो बहुत ही व्यस्तम ये रोड है, वहाँ पर खोलने का एक प्रोग्राम जो बनाया गया था, तो आज हम सभी RWA के हमारे अधिकारी, हमारे धार्मिक संस्थाओं के और हमारे जो राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे जो ये कार्यकर्ता थे और हमारी जो महिलाएं और काफ़ी संख्या में आज यहाँ जो ये मौजूद रही, तो सुबह से ये 9 बजे से ये एक धरना विरोध के रूप में हमने आज रखा था। और इसी के साथ दिल्ली लाइव में बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।